ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। इस बार तो राजा जीतेगा ना। हाँ ले जाओ, खूब तैयारी यार। मास्टर जी, मास्टर जी, क्या हुआ? रुस्तम पागल हो गया है, सबको मार रहा है, किसी के काबू में नहीं आ रहा। तुम सब गधे हो, उल्लू के पट्टे हो, पहले ध्यान नहीं देते, अब रोते हो। आप जल्दी चलिए, कहीं वो भाग गया तो फिर पकड़ा नहीं जाएगा। भाग गया तो पकड़ा नहीं जाएगा। छोड़ दो, इसे मैं संभालता हूँ। हाँ रुस्तम को कोई माई का लाल नहीं पकड़ सकता। सबको चुनौती मत दो शंकर। तुम तो कल के रुस्तम थे, ये कमबख्त आज का रुस्तम है, तुम्हारे बस का नहीं। कसम बजरंगबली की, मंगल तो पैदा ही चुनौतियां स्वीकार करने के लिए हुआ है। देख लेता हूँ अब आएगा मजा। रुस्तम का मुकाबला रुस्तम से। किसी की भले जान चली जाए, तुम्हें आएगा मजा। मेम साहब, आप रेस्टोरेंट में चाय बेचिए जा करके, वहाँ आपको मजा आएगा, यहाँ मजा मजा आपको नहीं आएगा। बात करने की तमीज नहीं है, बदतमीज कहीं के। चले आते हैं। शाबाश रुस्तम, शाबाश। रुस्तम, तुम घोड़े को छोड़कर यहाँ पर आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। तुम पर काबू पाकर हमारे मुंह पर तमाचा मारा है। किसके यहाँ काम करते हो? मास्टर जी, ये मदन भाई क्या काम करता है? अपने जमाने का ये रुस्तम था। तुम गधे के गधे रहोगे। ये रुस्तम था भी और है भी। आपसे मिलकर बड़ा दुख हुआ। मुझे भी। आपको किस बात का दुख हुआ? आप जैसी दिलदारी जो नहीं है मुझ में। सनी, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। पहले इसे तो देखिए। ये क्या है? बुझो तो जाने। मिठाई? मिठाई नहीं, खोल कर देख लो। ठीक है, खोल कर देख लेते हैं। क्यों डैड, केक पसंद नहीं आया? अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। पर सनी, इस साल तो मेरा जन्मदिन व्यायामशाला में मनाया जा रहा है। तू नहीं जानता, जब मैं चैंपियन था तो वो लोग हर साल मेरा जन्मदिन वहीं मनाते थे। वाह, बड़ा मजा आएगा। ग्रेट वन, ये केक भी मैं ले चलेंगे। हाँ ले चलो। अरे मंगल, तुम यहाँ? कितनी खुशी की बात है, मगर मुझे शिकायत है, तुमने तो यहाँ आना ही बंद कर दिया। मालूम है, मैंने अभी तक तुम्हारे जूते और लंगोट संभाल कर रखे हैं। वो एक चैंपियन की निशानी है, एक ऐसे चैंपियन की निशानी जो बार बार पैदा नहीं होता। हरीश, गणपत और बसंत कहाँ गए हैं? बाहर गए हैं। क्या बात है, उदास नजर आते हो? उन्होंने कहा था पहले की तरह इस साल भी मेरा जन्मदिन यहीं मनाया जाएगा। मगर उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, हम अभी बंदोबस्त करा देते हैं। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं। मैं जानता हूं दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, मगर उनसे कह देना कि मंगल बुझा हुआ दिया नहीं। कसम बजरंग बली की, मुझ में अब भी रोशनी बाकी है। मैं जा रहा हूं, उनसे कह देना उन्होंने समझ क्या रखा है। मंगल, मंगल, जरा सुनो तो मंगल, मंगल। कोचा, क्या हुआ? रुस्तम कहाँ चला गया? पता नहीं बेटे, गुस्से होकर बाहर चला गया है। क्या से क्या बन गया बेचारा मंगल। मुझको पसंद तू तेरा प्यार, प्यार जो तेरा मिल जाए, दिल ये मेरा खिल जाए, आ जाए फिर तो बहार। तुम ठीक से चलो और गाना मत गाओ। दिल ये मेरा खिल जाए। क्या बात है? मैं कुछ मदद करूं? मदद की बात नहीं है रूबी, आज कुछ ज्यादा पी गया हूँ, वरना आदमी था मैं काम का। हाँ हाँ मैं समझ गई, आओ मैं तुम्हें ऊपर पहुँचाई देती हूँ। नहीं नहीं हटो, मैं किस लिए आऊँ? रुस्तम का बेटा हूँ मैं, इन्हें संभालूंगा। चलो रुस्तम। हाँ चलो बेटा, तुम बड़े बहादुर हो बेटा, मुझे फख्र है तुम पर। सनी तुम इन्हें सीढ़ियों पर से कैसे लेके जाओगी? तुम देखती रहो, बोलो नहीं बोलो नहीं। तुम देखती रही हो, तुम देखती रही हो, मैं माके चली जाऊंगी, तुम देखती रही हो। तुम गाना मत गाओ, चलो उठो। अच्छा गाना गाना नहीं गाते, बहादुर गाना नहीं गाते ना, बहादुर गाना नहीं गाते, बहादुर गाना नहीं गाते, बहादुर गाना नहीं गाते, बहादुर। तुमने फिर गाना शुरू किया। हाँ चलो उठो। ये भी गाना है? हाँ ये भी गाना है। चुप करो और चलो। अच्छा कमाल है, मेरा हर लफ्ज गाना बनता जा रहा है, मैं चुप रहता हूँ। चुप। जैसी मौज छज्जू के चबारे, तैसी बलख ना बुखारे। टांग तो सीधी करो, जूते उतारने। सनी बेटे तू टांग की बात करता है, यहाँ तो दुनिया ही टेढ़ी है। आज तुमने गीत बहुत गाया रुस्तम। आज मेरा जन्मदिन है ना इसलिए। ला पैंट उतार दो। नहीं नहीं बेटे, मर्द अपने कपड़े खुद उतारते हैं। रुस्तम मेरी जर्सी। ओ। अब जाओ दांत साफ करो और सो जाओ। Good night, Dad. Good night. जीना कोई खेल नहीं है, जीना कोई खेल नहीं है, संबंधों के बंधन में चीख चीख चुप चुप रहना है। चुप रहना है, घाव घाव मुस्काना है, जीना कोई खेल नहीं है, खेल नहीं है। एक पल जीना एक पल जीना, एक पल मरना, एक पल जीना, एक पल मरना, उम्मीदों के साए में, इसके नशे में हर कोई डूबा, इसके नशे में हर कोई डूबा, कैसा ये मैं हारा है, जीना कोई सवाल अभी बना ही देता हूँ। अरे सनी, क्या बात है बेटे, आज अकेले काम कर रहे हो? कहाँ गए तुम्हारे डैडी? डैडी तो रात से ही गायब है। अरे अरे अरे, एक गरम गरम कोको कोला और ठंडी ठंडी टी, यू नो टी टी। हाँ यस टी। हाय सनी, तुम्हारे डैडी का नशा अभी तक उतरा है या नहीं? वो तो मालूम नहीं, वो रात से ही गायब है, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे सनी, वो देखो तुम्हारे डैडी आ गए। डा डा डा। रुस्तम रुस्तम, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे जगाया क्यों नहीं? बताता हूँ, पहले कुछ खा पी तो ले। चल सनी, आ गए डैडी। रूबी, दो चाय दो टोस्ट। अभी अभी तुम्हारी ही बातें हो रही थी, रात भर तुम कहाँ थे? अरे रूबी, क्या बताऊं, मुझे बताते हुए शर्म आती है। माफ करना, मैंने तो वैसे ही पूछा था। अरे नहीं, वो बात नहीं, मैं तो ये कहने में हिचकिचा रहा था कि मैं कितना बेशर्म बाप हूँ। रात को मैंने अपने ही बच्चे के पैसे चोरी किए और जुआ खेला। कोई बात नहीं डैडी, मेरे पैसे आपके ही पैसे हैं। मुझे मालूम था मेरा बेटा यही कहेगा, मगर तुम लोगों ने ये तो पूछा ही नहीं कि मैं जुए में हारा या जीता। सनी, तुम बता सकते हो मेरी जीत कितनी रही होगी? 100 रुपए। 100 रुपए नहीं, और 200 रुपए। नहीं, और ज्यादा, बहुत ज्यादा। 500 रुपए। 500 रुपए नहीं, 75,000 रुपए। 75,000 रुपए। और मैंने तुम लोगों के तोहे खरीदे हैं। आओ बताता हूँ। आज भी मंगल, कल भी मंगल, वाह भाई मंगल, मंगल ही मंगल। ये लो, ये मास्टर के लिए। ये लो, ये लो, ये तुम लो, ये बांटो, लो 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 लो, सब लोग लो। ये लो। तुम मुझसे पूछो सनी के लिए क्या लाए हो? ये लो। मंगल, तुम सबके लिए कुछ न कुछ लाए हो, मगर सनी के लिए क्या लाए हो? ओहो, मैं कैसा बाप हूँ, धिक्कार है मुझ पर। खुशी के मौके सबको याद रखा, मगर अपने बेटे को भूल गया, उसके लिए कुछ भी नहीं लाया। अरे बलराम, ओ बलराम, वो छोटा सा तोहफा तो ला जो मैंने सनी बेटे के लिए खरीदा है। सनी बेटे, ये तेरे लिए। मेरे चढ़ने के लिए? हाँ, तेरे चढ़ने के लिए, खिलाने के लिए, पिलाने के लिए और दौड़ाने के लिए। अब ये घोड़ी तेरी है। आपका मतलब इस घोड़ी का मालिक मैं हूँ? हाँ भाई, मैंने तेरे लिए खरीदी है, अब इसके मालिक तुम हो। चलो बैठो इसकी पीठ पर। आओ। सनी बेटे, अगर इस घोड़ी की तैयारी के लिए कोई मास्टर चाहिए तो हम तैयार हैं। ऐसा मास्टर कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, इसकी तैयारी तो करवानी है। हम तैयार हैं। बुड़ा 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 बुड़ा। मैडम, अपने माल पर सबको भरोसा होता है, मगर आज वन हॉर्स रेस, एक घोड़ा जीतेगा। माल लगाइए और बटोर लीजिए। आज मेरा घोड़ा जीतेगा, सूरज, जिसका नंबर है 5। अगर आपको यकीन नहीं है तो अपने सैरी से पूछो। मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हैं? अरे फिर भी हम दूसरे घोड़े तो देख ले। तो मतलब है आपको मेरे बात का यकीन नहीं? बकवास नहीं। बकवास का यकीन कौन करेगा? बकवास तुमने कहा? हट जाओ, हट जाओ। तूने मेरी बात को बकवास कहा? हे टिटलू, हाँ? मैं तुमसे बात कर रहा था और तुम चल दिए। हाँ? जानते हो मैं कौन हूँ? धनीराम। अरे 30 घोड़े का मालिक हूँ और तुम कहते हो बकवास कर रहा हूँ। बकवास नहीं तो और क्या। हाँ? अभी तक रेस शुरू नहीं हुई। हाँ? और तुम कहते हो तुम्हारा सूरज जीतेगा। हाँ? मिस्टर, हाँ? इस बार मेरी घोड़ी रेशमा जीतेगी। हाँ? तो तुम भी घोड़े के मालिक हो? अरे वाह 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 वाह। घोड़े का नहीं, घोड़ी का। घोड़ी का कहा ना। हाँ। रेशमा मेरी घोड़ी का नाम है। अच्छा अच्छा, घोड़ी का नाम है। अच्छा, हमारे इतना है किसका है ये? बड़ा तेज से तो बड़ा तेज तेज मालूम होता है। हेलो सन। मेरा नाम सन नहीं, सनी है। अच्छा, तो सनी बताओ, क्या ये घोड़ी वाकई तुम्हारी है? हाँ, मेरे डैडी ने खरीद के दी है। आज नंबर 3 पे खेलेगी। मैडम, अगर जीतना है तो रेशमा पर खेलेगा। और अगर रेशमा हार गई तो मैं आपका गुलाम, जो कहोगी वही मैं करूँगा। अच्छा, मगर जीत गई तो मैं तुम्हारी गुलाम, जो कहोगे वही करूँगी। तो फिर लग गई। लग गई। लेकिन मैं आपको ढूंढूंगा कहाँ? अरे हाँ, ये भी बात है। मेरा नाम पूनम है, ये रहा मेरा कार्ड। तुम कहाँ रहते हो? मैं तो इसी क्लब के पीछे रहता हूँ। किसी से भी पूछ लेना, सनी को कौन नहीं जानता। अच्छा, तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। सिंदे, सिंदे, बहुत देर कर दी तुमने आने में। फिक्र ना सन्नी, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम समझते कि नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने किसी से शर्त लगाई हुई है। परवाह इल्ले, तुम जीतेगा। हाँ। ये मेरी घोड़ी है, नंबर 3। देख लीजिए रेशमा को, यही जीतेगी। रेशमा, जरूर जीतना। मैंने तो 3 नंबर पे लगाए हैं पैसे। 3 नंबर? ये कौन सा घोड़ा भाई? ये वाला। अरे ये तो घोड़ी है। क्यों? घोड़ियां जीत नहीं सकती क्या? जीत सकती। आजकल घोड़ियां तो जीतती हैं। रास्ता देना भाई साहब, रास्ता देना। ये भी घोड़ी का मालिक है। वो देखो रेशमा। हाँ। नंबर 3। हाँ रेशमा। हाँ, जीतेगी। मंगल, कहीं सनी बंटी तो नहीं? हो सकता है। सनी, सनी, रुक जाओ सनी। बात तो सुन। सनी, अरे, अरे बात सुन बेटे। सनी, सनी, अरे बात सुन। क्या हुआ तुम्हें? सनी, सनी, अरे ठहर जा। अरे हाँ, अच्छी है अच्छी है, देख ले। हाँ, अभी डॉक्टर आएगा, इसको ठीक कर देगा। हाँ हाँ, अरे फिर वही बात। अरे हाँ, चल चल ले, चलता। बस बस, यही रोक दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या सनी अपना बंटी है? सनी बंटी है भी तो क्या? मैं पूछता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या इस वक्त हम दोनों में से एक को उसके पास नहीं होना चाहिए? हम दोनों? कौन हम दोनों? अचानक इतनी हमदर्दी कहाँ से आ गई? तुम्हारा उससे रिश्ता है क्या है? कैसी बातें कर रहे हो? तुम एक माँ के दिल को क्या जानो? उसकी कोई माँ नहीं। उस बेचारे की माँ तो 7 साल पहले मर चुकी है। ये क्या कह रहे हो मंगल? मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम जितनी जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ उतना अच्छा है। काश तुम्हें बोलने और रहने का सलीका आ जाता। तुम अपने सलीकों को संभाल कर रखो, मुझे घटिया दर्जे का ही रहने दो, समझी? तुम अच्छी तरह जानते हो मंगल, बंटी पे मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। बहुत सह ली है तुम्हारी जुल्म। अब मैं उसी जबान में बोलूंगी जो तुम्हें समझ में आए। देखो, बहस करने का कोई फायदा नहीं। तुमने घर छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। मैंने बच्चे को समझा दिया है कि उसकी माँ मर चुकी है। अब तुम उसके लिए मरी ही रहो तो अच्छा है। नहीं मंगल, वो मेरा बेटा है, मेरा अपना जिगर। वो जो भी फैसला करेगा मैं मान लूंगी, लेकिन मैं उसे मिलूंगी जरूर। पूनम, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें उसकी खुशियों में जहर नहीं घोलने दूंगा। तुम मेरे गुस्से को अच्छी तरह जानती हो। तुम और तुम्हारी मनमानी। ठीक है मंगल, मैं उसे ये नहीं बताऊंगी कि मैं उसकी मां। जख्म कोई खास गहरा नहीं है, जल्दी भर जाएगा। रेशमा फिर से दौड़ सकेगी डॉक्टर? हाँ हाँ, चंद ही दिनों में इसकी टांग ठीक हो जाएगी, खाएगी पिएगी खूब दौड़ेगी। मैं इसे बहुत खिलाऊंगा, सुना रुस्तम? रुस्तम, रेशमा अच्छी हो जाएगी, डॉक्टर ने कह दिया है। जख्म मामूली सा है, जल्दी भर जाएगा। रुस्तम, हम इसे खूब खिलाएंगे और जल्दी ठीक हो जाएगी। ये फिर से दौड़ सकेगी। ये फिर से दौड़ सकेगी, ये फिर से। आओ सनी, दूर क्यों खड़ी हो? मुझे अफसोस है मैडम कि मेरी रेशमा हार गई, मगर ये तो आपको मानना पड़ेगा, अगर उसे ठोकरने लगती तो जरूर जीत जाती। हाँ सनी, जहाँ तक शर्त का सवाल है वो तो तुम हार गई, लेकिन वाकई तुम्हारी घोड़ी रेशमा बहुत अच्छी है और अगर ठोकर नहीं लगती तो जरूर जीत जाती। अब बोलो, वादे के बारे में क्या ख्याल है? वैसे शर्त के मुताबिक मैं जो चाहूँ मांग सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि आपको मेरे यहाँ आना पड़ेगा और दावत कबूल करनी पड़ेगी। वादा किया है तो निभाना ही पड़ेगा। हाँ कह दो बेटे। ठीक है, मैं आऊंगा। ये हुई ना बात, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, वादे पर पक्का रहना हर इंसान का धर्म होना चाहिए। चलो अब चलते हैं। डैडी, आज तुमने मुझे इतने तन कपड़े क्यों पहना दिए? इसलिए कि तुम होशियार लगो, एकदम स्मार्ट। होशियार? क्या पहले कपड़ों में बुद्धू लगता था? हाँ बिल्कुल बुद्धू लगते थे, एकदम बुद्धू। मगर इन कपड़ों में मेरा दम घुट जा रहा है। ऐसे होशियार बनने से तो बुद्धू ही अच्छा है। उन लोगों से ठीक ढंग से बात करना, कहीं वो ये ना समझे कि तुम्हें बात करने का सलीका नहीं आता। क्यों? मैं आपके साथ ठीक ढंग से बात नहीं करता हूँ। मेरी बात और है, मेरे साथ सब चलता है, मगर उन लोगों से उल्टे पुल्टे सवाल मत पूछना। नहीं पूछूंगा, लेकिन डैडी अगर मैं गलती करूंगा तो मुझे इशारा कर देना। मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। क्यों? मुझे वहाँ जरूरी काम है, किसी से मिलना है। जब तक तुम उनसे मिलोगे मैं अपना काम कर लूंगा। तो मुझे वहाँ अकेले जाना पड़ेगा? क्यों, डर लगता है? तुम तो बहादुर हो, फिर डर कैसा? नहीं नहीं, मैं डरता तो नहीं हूँ। फिर? वैसे सोचा था कि ये लोग बातें कैसे करेंगे। जैसी भी करें तुम ठीक से जवाब देते जाना। अच्छा समझ गए? अब उतरो और अंदर जाओ। आइए आइए, मेम साहब आपका इंतजार कर रही हैं। बच्चे को संभाल कर ले जाइएगा। आप अंदर नहीं आते साहब? नहीं, मैं आधे घंटे तक बच्चे को लेने आऊंगा। अच्छा साहब, आओ बेटे। डैड, आधे घंटे के बाद जरूर आ जाना। हाँ हाँ आ जाऊंगा, तुम अंदर तो जाओ। हेलो सनी, दरवान आप जाओ। अच्छा मैम साहब, जाओ बेटे। आओ। तुम्हारे डैडी नहीं आए? नहीं, उन्हें कुछ जरूरी काम था, आते ही होंगे। रेशमा कैसी है? ठीक हो रही है, मैं उसे अपने हाथों से खिलाता हूँ। अच्छा चलो आओ अंदर। आओ, मैं तुम्हें अपने शौहर से मिला। हेलो देयर। हाय। हेलो सनी। हेलो। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप मेरा नाम पहले से ही जानते हैं? अरे भाई, आपको कौन नहीं जानेगा, इतने बड़े आदमी हैं आप, रेस के घोड़ों के मालिक हैं। हाँ, मेरा नाम जेडी है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर जेडी साहब। खुशी तो हमें बहुत हुई आपसे मिलकर बेटे। भीम साहब, आपका फोन। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं अभी आई। बैठो बेटे। माफ कीजिए जेडी साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो बेटे। बात ये है जेडी साहब, पूनम आंटी समझती नहीं, जो रेशमा हार गया सो हार गया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम क्या चाहते हो कि मैं उन्हें समझाऊं? जी हाँ। मेरे ख्याल में तुम इन्हें समझाओ तो अच्छा है। मैं उन्हें समझाऊं? यही बेहतर रहेगा। ठीक है। सनी बेटे, कोई लतीफा सुनाओ यार। लतीफा? अंकल, रुस्तम ने मुझे बहुत लतीफे सुनाए, लेकिन मैं भूल गया। आप सुनाओ, मैं नहीं भूलूंगा। मैं सुनाऊं? हाँ। सनी, तुम्हारे डैडी का ही फोन था, उन्हें आने में जरा देर हो जाएगी और तुम हमारे साथ शाम तक रह सकते हो। लेकिन वो तो आधे घंटे में आने वाले थे। क्यों, तुम्हें हमारे साथ रहना पसंद नहीं? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तो चलो, आज तुम्हें अच्छे अच्छे जगह सैर कराने ले जाएंगे, क्यों डाले? हाँ बेटा जाओ, खूब घूमना, खूब खाना, एक ने बहुत बड़ी आइसक्रीम लेके देना। जरूर दूंगी। जाओ बेटा, चलो शाबाश। बाय डाले। बाय। आइए आइए मेहरबान, आइए, अपनी अपनी ताकत आजमाइए, मशीन की सुई को आगे बढ़ाइए, इसकी घंटी को बजाइए और मनपसंदी का तोहफा पाइए। आइए मेहरबान, आइए, ₹1 में ताकत आजमाइएगा, जीत जाइएगा तो खूबसूरत तोहफा पाइएगा, वरना घर पे जाइएगा। तो वे मेहरबान कदरदान, कौन सा तोहफा दोगे? साहब, दुकान आपके सामने है, जिस खिलौने पे दिल आ जाए ले जाइए। जिस पे दिल आ जाए, चलो दिखाओ। आइए। वो दे दो। ये वाला सर? नहीं नहीं, वो। भाई साहब, आप यहाँ हर रोज तो सैर करने नहीं आएंगे ना? क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब था कि जब आपके प्रोग्राम का पता चल जाता तो मैं उतने दिन के लिए खेल बंद कर देता। अरे भैया, तुम आज की चिंता छोड़ो, कल किसने देखा है? आज की चिंता छोड़ो, कल किसने देखा है? क्या कुछ नहीं बेटा, चलो। देख लिया, कुश्ती पे ध्यान दीजिए। अरे यार, ऐसे पहलवान मैंने बहुत हरा रखे हैं। You come on back to your corner. सनी, इस कांटे के साथ तुम्हारी घोड़ी और तेज भागेगी। धनीराम जी, अगर आप रेशमा से डरते हैं तो हम अपनी रेशमा को आपके घोड़ों के साथ नहीं दौड़ाएंगे। ओ, तो तुम्हारी घोड़ी पे तुम्हें इतना गुरूर है? धनीराम जी, ताकत पर गुरूर नहीं, फकर होता है, फकर। अच्छा, तो ये बात है, तो मैं भी देख लूंगा तुम्हारे रेशमा को। हाँ, देख तो आप लोग ही, वो छिपकर थोड़ी दौड़ेगी, सबके सामने दौड़ेगी। अब बोलो। बहुत तेज साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अरे सनी बेटे, धनीराम की छुट्टी करके तुमने हमारी तबीयत खुश कर दी। जीते रहो। चलता हूँ धनीराम जी। धनीराम बच्चों पे गुस्सा नहीं करते। आओ बेटे। अरे आंटी, आपका शुक्रिया अदा करना तो मैं भूल ही गया। इन सब तोहफों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार आओगे तो और अच्छे अच्छे तोहफे दूंगी। बाय अंकल। बाय। जाओ बेटे। रुस्तम, 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 देखो देखो, मुझे कितने तोहफे मिले, पकड़ो। ये रेशमा के लिए काठी और मेरे लिए जीन और ट्रैक सूट भी। हाँ। कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे। डैड, ये लोग बहुत पैसे वाले हैं, पर गरूर बिल्कुल नहीं। मैं तो सोच रहा था पूनम आंटी रेस की हार के बारे में पूछेगी, पर उल्टा उन्होंने हमें तोहफे दिए। डैड, हमने बहुत सैर भी की, मालूम है? अच्छा अच्छा, अब बैठो भी, चलना है कि यहीं रहने का इरादा है? हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ बैठो। सनी, तुम्हें महंगे तोहफे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? आपको अच्छे नहीं लगते? हाँ, मुझे भी अच्छे लगते हैं। उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया तोहफे दिए और सैर भी करवाई। डैड, ये लोग बहुत पैसे वाले हैं, पर गरूर बिल्कुल नहीं। पूनम आंटी ने कहा जब अगली बार आओगे तो और अच्छे अच्छे तोहफे दूंगी। मंगल, तू इतना भी नहीं कमा सकता कि बच्चे के लिए अच्छे अच्छे तोहफे खरीद सके? दो हजार और मेरा भी दो, 5000 5। $10000 की 4। 10000। $10000 और 10000। 15000 मेरा भी 15। 15000 और शो शो। बस भैया, मैं तो चला। चाहो तो उधार खेल सकते हो। उधार? लेन देन तो होता ही रहता है, मगर उधार चुकाने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं। रेशमा जो है, मैं उस पर 25000 तक दे सकता हूँ। नहीं, रेशमा मेरी नहीं, सनी की है। अरे बैठो यार, 2-3 हजार तो ऐसे ही लेकर खेलो। जीते हुए माल से दे रहा हूँ। गुड लक। थैंक यू वेरी मच। फिर वही बात, पैसे बगैर शो। 10,000 और उधारा अगर तुम जीतो तो शो। तो लो 1, 2 और 3। पैसे देने आसान है मंगल, मगर वसूली करनी बहुत ही टेढ़ा काम है, इसलिए गिरवी चीज पर लिखित पढ़त करना निहायत ही जरूरी है। आप मेहरबानी करके इस पर दस्तखत कर दीजिए। देखिए, आपके पैसे मैं 2-4 दिन में लौटा दूंगा, मगर रेशमा को गिरवी मत रखिए, वो तो मेरे बेटे की जान है। मैं भी बाल बच्चेदार हूँ, बिजनेस में सेंटीमेंट लाना अच्छी बात नहीं। सिग्नेचर प्लीज। आपको मुझ पर एतबार नहीं। एतबार नहीं होता, पैसा देता ही क्यों? बाकी रही लिखित पढ़त की बात, इधर पैसा आया उधर ये कागज फाड़ दिया जाएगा। आप दस्तखत कर दीजिए। आ गए तुम? सनी बेचारा इंतजार करते करते अभी भी सोया है। और कुछ नहीं तो कम से कम बच्चे के लिए ही जल्दी घर लौट आया करो। और रूबी, भला तुम्हारे होते हुए मुझे सनी की फिक्र क्यों होने लगी? मगर उसे तो सिर्फ तुम्हारी और रेशमा की ही चिंता रहती है। रेशमा के साथ सनी का लगाव दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। क्यों नहीं बढ़ेगा? वो बच्चा है, तुम्हारे जैसा निर्मोही नहीं। सनी बेटे वैसे जरूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी पट्टी तब्दील कर देते हैं। हाँ। जख्म ठीक हो गया। हाँ देखो। हाँ। मास्टर अब कैसी है रेशमा? अरे मंगल, तुमसे ज्यादा देखभाल तो सनी करता है इसकी। सनी को जान इसी में है। सनी, रेशमा अब बिल्कुल तैयार है। हाँ। आया? विनोद जी से कहो मंगल मिलने आया है। साहब घर पर नहीं है। क्यों, कहाँ गए? कब लौटेंगे? मेम साहब के साथ में बैंगलोर गया है, 1 हफ्ता लग जाएगा। एतबार नहीं होता, पैसा देता ही क्यों? बाकी रही लिखित पढ़त की बात, इधर पैसा आया उधर ये कागज फाड़ दिया जाएगा। साहब क्या सोच रहे हैं? हाँ? कुछ नहीं। साहब क्या लेंगे? एक चाय लाओ। शो देखने आए थे? नहीं, तुमसे मिलने आया था। तुम मिले बगैर क्यों जा रहे हो? मैंने सोचा तुम अपने काम में व्यस्त हो, और फिर मेरी आत्मा ने कहा मंगल तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जब आत्मा ने मुझसे मिलने के लिए कहा तो जरूर कोई खास बात होगी। बात तो खास ही थी, मगर अब छोड़िए, भूल जाइए। अच्छा मंगल, हाँ। आओ मेरे साथ। अब बताओ क्या बात है? सनी तो ठीक है ना? हाँ हाँ, सनी तो ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। फिर ऐसी कौन सी नई बात है जो तुम्हें मुझ तक खींच लाई? परेशान होने की कोई बात नहीं, बस ऐसे ही चला आया था। बैठोगे नहीं? नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ। सुनो, अब आ ही गए हो तो बताने में हर्ज क्या है? मैंने सनी की घोड़ी गिरवी रख दी है। अगर आज उन लोगों को पैसे नहीं लौटाए तो वो लोग घोड़ी ले जाएंगे। कितने में गिरवी रखी है रेशमा? 25,000 में। तुम्हें 25,000 रुपए चाहिए ना? मैं देती हूं। मैंने देख लिया है, इस दुनिया में सगे संबंधी, यार, दोस्त सभी उस समय तक साथ देते हैं जब तक इंसान के पास भगवान का दिया सब कुछ होता है, मगर जब उसके पास कुछ नहीं होता तो सभी मुंह फेर लेते हैं। जब मैं चैंपियन था तो खैर छोड़िए इन बातों को, अब इनमें क्या रखा है। मैं मदद नहीं, उधार चाहता हूं, सनी का दिल न टूट जाए, बस इसीलिए। सनी मेरा भी तो बेटा है, मैं उसके लिए कुछ करना चाहूं तो तुम्हें हरगिज इतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, ये बात नहीं, सनी के लिए और कुछ करने वाली बात और है, मगर ये बात सिर्फ मैं ही करना चाहूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जब चाहे लौटा देना। शुक्रिया, बजरंग बली ने चाहा तो जल्दी ही लौटा दूंगा। कहो सन्नी, कैसी है रेशमा? अच्छी है, पूरी तैयारी में है, देख लो। हाँ हाँ, अब तो मैं इसे रोज ही देखा करूँगा। अरे ताऊ, इतनी ललचाई नजर से मत देखो, बेचारे को नजर लग जाएगी। नजर लग जाएगी तो तुम्हें क्या? कहाँ है मंगल? अजीब उल्लू से वास्ता पड़ा है। क्या कहा तुमने? मुझे उल्लू कहा? संपात, अरे वो संपत, वहां क्या कर रहा है? यहाँ जरा घोड़ी को देख रहा था, क्या चमक रही है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारे पास आने वाला था। तुमने बहुत देर कर दी मंगल। देर? देर कैसी? आज का वादा था, बैंक खोलते तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मगर वादे के हिसाब से 2 घंटे ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए पैसे नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं रेशमा को लेने आया हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है। इतनी सुंदर घोड़ी को गिरवी रखकर तुमने जुआ खेला। मगर तुमने तो कहा था किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, कागज फाड़ दिया जाएगा। अब कागज नहीं फटेगा, मैंने इरादा बदल लिया है। मैं तो रेशमा लेने आया हूँ। ए बीकू, ले आ रेशमा को। रेशमा बेटा, क्या कर रहे हो? जल्दी करते हो। अरे जल्दी आ, जल्दी आ। अरे मेरा आओ, मेरी हाथ की भरवाली है मुझे। अरे फेंको उसको, अरे क्या खत्म हुआ है वो ऊपर फेंको फट फट से बहुत बड़ी गलती की है मंगल। इतने नामचीन पहलवान होकर एक गुंडे जैसी हरकत की है। इंस्पेक्टर, क्या उस बदमाश ने शरीफों जैसी हरकत की है? गलत प्रनोट पर दस्तखत लेकर मेरे बच्चे का दिल तोड़ना चाहा उसने। ऐसे धोखेबाजों के लिए कानून जो है, कानून बहुत धीमी चाल चलता है इंस्पेक्टर। जब तक कानून मुजरिम तक पहुंचता है तब तक तो काम तमाम हो जाता है, बल्कि कई बार तो ऐसा नुकसान होता है जो कानून का इंसाफ कभी पूरा नहीं कर सकता। जिस नुकसान को बचाने के लिए तुमने यह हरकत की है मंगल, वो बच तो नहीं पाया। अब तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? भगवान जाने उस मासूम के नसीब में क्या लिखा है। फौजदारी के लिए तो शायद ढील हो जाती, मगर पुलिस पर हाथ उठाने की सजा। हाँ इंस्पेक्टर, मैं जानता हूं। मिसिस मेहता ने कहलवाया है, अगर तुम चाहो जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता तुम बच्चे को उनके वहां भेज सकते हो, और मैं समझता हूं कि यह बच्चे के लिए ठीक भी है। तुम कुछ नहीं समझते इंस्पेक्टर, कुछ भी नहीं जानते। आने दो इसे। आओ बेटा, आओ। भेज दो बच्चे को। हेलो रुस्तम। हेलो सनी। तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी। रुस्तम। सनी रुस्तम, ये लोग तुम्हें कब छोड़ेंगे? अब क्या होगा? तुम घर कब लौटोगे रुस्तम? तू मुझे रुस्तम मत कहा कर रे। रुस्तम मत कहा कर मुझे। क्यों नहीं कहा करूं? तुम ताकतवार हो, ताकतवार को ही रुस्तम कहा जाता है ना रुस्तम? मैं काहे का रुस्तम हूं रे? एक आदमी को बाजारी गुंडे की तरह पीटा मैंने, अब क्या फर्क रह गया है मुझ में और गुंडे में? वो आदमी कसूरवार था, तभी तो पीटा उसे। नहीं सनी नहीं, किसी को कसूरवार ठहराने का हक हमें नहीं, सिर्फ कानून को है। कानून ही फैसला करेगा। नहीं रुस्तम नहीं, तुम बेकसूर हो। इन लोगों को कह दो कि तुम बेकसूर हो। सनी रुस्तम तुम बेकसूर हो, ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे, तुम बेकसूर हो। तुम बहादुर हो ना? हम्म, बहादुर हो ना? फिर रो क्यों रहे हो? मैं नहीं रोऊंगा। हाँ, अब आओ, एक बात सुनो। क्या बात है? पहले वादा करो, जो बात मैं कहूंगा तुम मानोगे। आज तक ऐसी कौन सी बात है जो मैंने आपकी नहीं मानी? मुझे बहस नहीं, वादा चाहिए। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। शाबाश, ये हुई ना बहादुरों वाली बात। तो सुनो बेटे, जब तक मेरे केस का फैसला नहीं हो जाता, मैं बाहर नहीं आ जाता। तुम उस औरत के पास चले जाओ जो तुम्हें बहुत तोहफे देती रहती है। आपका मतलब पूनम आंटी? हाँ वही, पूनम आंटी। नहीं नहीं, मैं रूबी के पास रहूंगा। तुमने मुझसे वादा किया है। वादा तो किया, लेकिन आप मुझे वहाँ क्यों भेजना चाहते हो? इसलिए कि मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मगर डैड, ये तो उल्टा हो रहा है। जो आपको अच्छा लगता है वो मुझे बुरा लगता है, और जो आपको बुरा लगता है वो मुझे अच्छा लगता है। फिर वही बहस। मैंने कहा ना, तुम वहाँ जाओगे? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। तो तुम अपने डैडी का कहना नहीं मानोगे? मानूंगा, मगर ये सब जानने के बाद तुम मुझे वहाँ क्यों भेजना चाहते हो? अरे क्यों का जवाब किसी को मिला है जो तुम्हें मिलेगा? तो फिर मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अच्छा डैड, अब जो कहोगे वही मैं करूँगा। मैं वहाँ जाऊंगा, मैं वहाँ जाऊंगा। हाँ जाओ। इंस्पेक्टर साहब, बच्चे को वहां पहुंचा दीजिए। ठीक है, आओ। करने वालों को समझाना है मुश्किल, प्यार करना आसान है, निभाना है मुश्किल। प्यार करने वालों को समझाना है मुश्किल, प्यार करना आसान है, निभाना है मुश्किल। करके मोहब्बत जिसने निभा दी हो, करके मोहब्बत जिसने निभा दी, दिल तो वही है, दिल तो वही है, दिल तो वही है प्यार के मामले। प्यार करने वालों को समझाना है मुश्किल, प्यार करना आसान है, निभाना है मुश्किल। ला 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 पारे जैसा होता है ये दिल, रंग बदलते देखी जलवों की महफिल, ओ प्यारी प्यारी बातें, ओ मीठे मीठे सपने, ओ प्यारी प्यारी बातें, आती रहे जीवन में सदियों ऐसी रातें, आती रहे जीवन में सदियों ऐसी रातें, ओ खुशियों की सौगातें, प्यार की ये बरसातें, आती रहे जीवन में सदियों ऐसी रातें, आती रहे जीवन में सदियों ऐसी रातें, पिछली यादें अगले सपने, ओ पिछली यादें अगले सपने, सुख दुख जो समझे अपने, साथी वही है, अरे साथी वही है, साथी वही इकरार के काबिल, प्यार करने वालों को समझाना है मुश्किल, प्यार करना आसान है निभाना है मुश्किल, प्यार करने वालों को समझाना है मुश्किल, प्यार करना आसान है निभाना है मुश्किल, सनी। हेलो। बैठो बैठो। तुम्हारे डैडी के बारे में सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ये कमरा तुम्हारे लिए है। अच्छा है? हाँ। मेम साहब। चाय मेम साहब। चलो पहले कुछ खा लो। तुम्हें सैंडविचेस बहुत अच्छे लगते हैं ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खास बनवाए हैं। लो लो। दिल नहीं करता तो मत खाओ। ना मुझे दे दो। अच्छा हुआ तुम मेरे पास चले आए। अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तुम्हारे कपड़े रखती हूँ। नहीं नहीं, मैं रखता हूँ। मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूं। नहीं, मर्द अपने कपड़े खुद उतारते हैं। अच्छा, ये तुमसे किसने कहा? तुम्हारे डैडी ने? हाँ। अच्छा मर्द जी, अपने कपड़े खुद ही उतार लीजिए, लेकिन पैंट उतारने से पहले जूते उतारने पड़ते हैं। अच्छा। सनी, क्या हुआ? पता नहीं ये गांठ कैसी उलझ गई, ना खुलती है ना टूटती है। ला, मैं खोलने की कोशिश करती हूँ। सनी, तुम्हारे डैडी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? क्या क्या नहीं बताया आंटी? आंटी मत कह बेटे, मैं तेरी माँ हूँ। हाँ बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये कैसे हो सकता? मेरी माँ तो कब की मर चुकी है। ऐसा मत कहो सनी, तुम्हारी माँ मरी नहीं, जिंदा है। मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ बेटे। मुझे बेटा मत कहो, तुम अगर मेरी माँ होती तो हमारे साथ रहती। तुमने मेरे डैडी के साथ शादी की है, तुम उन्हें प्यार करती हो। बोलो। मगर बेटा क्या? तुम उन्हें प्यार नहीं करती, हमारे साथ रहती नहीं, फिर माँ कैसी? तुम नहीं समझोगे सनी। चुरा मत मुझे, तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ मर चुकी है, मेरी माँ बहुत अच्छी थी। तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। मेरी माँ मर चुकी है, तुम मेरी माँ नहीं हो, नहीं हो। तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। मैं अपने माँ को बहुत प्यार करता था। तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरी माँ नहीं हो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मंगल और सनी के बगैर सुना सुना लगता है ना? हाँ मास्टर, तुम ठीक ही कहते हो। अपने रंग में जीना मुश्किल, मुश्किल मुश्किल कदम कदम। अपने रंग में जीना मुश्किल, मुश्किल मुश्किल कदम कदम। जीने का रंग ऐसा है बस, जीने का रंग ऐसा है बस, मौत को जैसे मनाना है। जीना कोई खेल नहीं है, खेल नहीं है। मुझसे नाराज हो? नहीं। फिर मिलते क्यों नहीं? डैडी। डैडी, अब मुझे कभी अकेले छोड़ के नहीं जाओगे ना? नहीं छोड़ूंगा रे, अब मैं हमेशा तेरे पास रहूंगा। मैं शराब छोड़ दूंगा, जुआ छोड़ दूंगा और तेरे लिए खूबसूरत घर बनाऊंगा। डैडी, ये आपके हाथ को क्या हुआ? इसको छोड़ रे, अब मैं कुश्ती लड़ूंगा, फिर से टाइटल हासिल करूंगा और तुम्हें अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलाऊंगा। डैडी फिर तो मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा ना। हाँ जरूर बनना, चल। क्या बात है मंगल भैया? नीचे गोदाम में कोई औरत आपसे मिलना चाहती है। ठीक है मैं अभी आता हूं। सनी कैसा है? अच्छा है, सो रहा है मजे से। तुम बड़े खुशकिस्मत हो मंगल, सनी तुम्हें बहुत प्यार करता है। प्यार 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 के बदले में ही मिलता है पूनम। पर मुझे तो प्यार के बदले में प्यार नहीं मिला, नफरत मिली। सोचा था जब सनी को कहूंगी मैं उसकी माँ हूं तो वो मारे खुशी के उछल पड़ेगा और माँ कहकर मेरे सीने से लग जाएगा। कहेगा माँ तो इतने दिनों से कहाँ थी, मुझे मिली क्यों नहीं। पर जानते हो जब मैंने उसे कहा सनी मैं तेरी माँ हूं तो उसने मुझे झूठी कहा, दूर हटो कहकर धुतकार दी। मेरे अपने जिगर के टुकड़े ने मुझे धुतकार दिया मंगल, मुझे धुतकार दिया। अब पछताना बेकार है पूनम। जब तुम नन्ही सी जान की परवाह किए बगैर घर छोड़कर चल दी थी तब पछतावा होता तो बात और थी। ये तुम कह रहे हो? तुमने मार डालने की धमकी देकर मुझसे मेरे बच्चे को छीन लिया और आज मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम उसे साथ ले जाती दूसरों के रहमो करम पर जीने के लिए? बाप के होते हुए वो बेगानों की दरों की ठोकरें खाता। पूनम भीख में मिली हुई ऐशो आराम की जिंदगी से आम के दो टुकड़े खाकर जी लेना बेहतर है। कसूरवार तो हम सभी हैं मंगल। मेरा ये कसूर कि मैंने पहली नजर को प्यार समझकर तुमसे शादी कर ली। तुम्हारा ये कसूर कि तुमने बीवी को पांव की जूती के अलावा कुछ नहीं समझा। और सनी बेचारे का ये कसूर कि वो हम जैसों के घर पैदा हुआ। और मेहता का ये कसूर कि उसने तुमसे शादी कर ली। मंगल उनके बारे में कुछ कहना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। ओह मैं तो समझा था कसूरवार इंसान की नजर में सारी दुनिया कसूरवार होती है। ठीक है सारा कसूर मेरा ही सही, लेकिन मंगल अब हमें अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सनी की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। सनी की जिंदगी के बारे में तो सोच ही लेंगे, पहले ये बताइए मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं है। मैं मर रहा हूं, सड़ रहा हूं, किसी को मेरी परवाह नहीं। आखिर मैंने क्या कसूर किया है? मैं किस जुर्म की सजा भुगत रहा हूं? मंगल तुम कहना क्या चाहते हो? दिल की बात बताने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। अब तुम महसूस कर रही हो ना कि सनी के साथ हम लोगों ने अन्याय किया है। हाँ मंगल हमारा कसूर माफी का हकदार नहीं। तुम वापस आ जाओ पूनम अपने घर। मंगल, सनी के लिए हम लोग। सनी की चिंता तुम छोड़ दो, उसके लिए क्या करना है मैंने सोच लिया है, तुम उसकी फिक्र मत करो। मैं जानता हूं उसके लिए क्या करना है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। सनी मिला? नहीं, सनी तो सो गया था। मंगल मिला, बड़ा दुखी है। अगर दिन में वहां जाती तो सनी जागता हो मिलता। आप नाराज हैं? जहां तक सनी का ताल्लुक है मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मंगल के दुख में दुखी होने वाली बात कुछ समझ नहीं आई। मैं तो सनी के फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। अगर आपको पसंद नहीं तो आइंदा वहां नहीं जाऊंगी। इधर आप नाराज हैं, उधर मंगल मुझे काटने को दौड़ता। सोचा था अब तो कुछ बदला होगा, मगर वो वैसे का वैसा ही है। जंगली, जिद्दी, मेरे बेटे को भी अपने जैसा बना देगा। रो मत, मैं तुम्हारी खुशी और बच्चे के बेहतर के लिए मंगल से बात करूंगा। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी और मेरी प्रॉब्लम यानी हम दोनों की समस्या एक ही है। जी नहीं, कल तक जो मेरी समस्या थी आज वो आपकी है। पूनम इसलिए दुखी रहती है कि सनी उससे प्यार नहीं करता। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? अगर आप चाहें तो सनी पूनम से भी इतना प्यार कर सकता है जितना वो आपसे करता है। मंगल जी, अगर एक मां का जाए उसे प्यार की जगह नफरत करे तो इसका दुख कितना हो सकता है, ये सिर्फ मां ही जान सकती है। पूनम सिर्फ कहने के लिए सनी की मां है, उसने मां वाला कोई भी फर्ज अदा नहीं किया। मैं सनी की नाक पहुंचता रहा, उसकी चड्डी बदलता रहा और रात रात भर उसके लिए जागता रहा। मैं ही सनी की मां और मैं ही उसका बाप हूं। मगर कभी आपने ये सोचा है कि जब सनी बड़ा होगा उसे ये एहसास होगा कि आपने उसे उसकी मां के प्यार से महरूम रखा तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा? मैंने उसे महरूम रखा या मां उसे बिलखता तड़पता छोड़कर चली गई, तुम नहीं जान पाओगे ये बात जेडी साहब। खैर, ये मिस्टर बासी बादशाहों की सवारी के लिए यहाँ इक्के हाजिर है। ये एक और दो और ये तीन। तुम नहीं मंगल भैया, मारो मत, इसे पुलिस के हवाले करते हैं। पुलिस? नहीं नहीं, पुलिस के हवाले नहीं, मुझे अस्पताल ले चलो। क्या कहते हैं मरम पट्टी? रेस लगा लो। अरे रेस कौन करता है? हाँ, भाग ले। कौन जीतता है? हाँ, भाग ले। भाग ले, भाग ले, पकड़ूंगा। हाँ, अरे भागने में तुम जीत नहीं सकता। आजा, आजा, आप बाजू से ताकत बता रहे। अच्छा, आजा। चुनौती देते हैं? हाँ, देख लो। हाँ, देख ले, आजा। ये लोग बॉक्सिंग, अरे बॉक्सिंग, अरे ये क्या है? ये लोग कंफू। हाँ, बात आ रहा है, चलेगा। पकड़ लिया। अब बोल, फेंक दूं? दिखाओ, देखियो। तो क्या कर लेगा? अरे लग गई ना। अब मैं ये खतरनाक नहीं लगता। बस बस बस। क्यों भाग गए? मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। अरे आजा फिर। हाँ देख लेता हूँ। आजा आजा। हाँ गुरुजी, कुश्ती लड़ने का इरादा किया है, फैसला नहीं। फैसला भला आपसे पूछे बगैर कैसे कर सकता था? बस बस रहने दे। लोगों में इस कुश्ती के बारे में चर्चा हो रही है और गुरु को पता तक नहीं। मंगल, फ्री फॉर ऑल स्टाइल कुश्ती लड़ना अब तेरे लिए खतरे से खाली नहीं। गुरुजी, मैं क्या पहली बार ऐसे ढंग की कुश्ती लड़ रहा हूँ? पहले की बात और थी मंगल। लगता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा। मंगल, तू जानबूझकर गलती कर रहा है। कान खोल के सुन ले, एक बार नाम गया तो दोबारा वापस नहीं मिल सकता। गुरुजी, मुझे फिक्र है तो अपने बेटे की। उसके लिए अच्छा घर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, जो मैं घोड़ों के तवेले में काम करके नहीं कमा सकता। पहलवान के बुढ़ापे की जिंदगी का यही तो रोना है मंगल। फिर भी मेरी बात मान, तो ये कुश्ती मत लड़। सनी की बेहतरी के लिए कोई और रास्ता ढूंढ निकालेंगे। मेरे पास और कौन सा हुनर है गुरुजी? आप आज्ञा दीजिए, मैं इस कुश्ती में आपके नाम को धब्बा नहीं लगने दूंगा। अब तेरे लिए ऐसे दंगल में उतरना बहुत मुश्किल है। मैं सच कहता हूँ, मुझे तेरी फिक्र है, अपने नाम की नहीं। गुरुजी, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, इसे पूरा होने दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन वर्जिश में पूरा उतरने के बाद ही कुश्ती लड़ने की इजाजत दूंगा। मुझे मंजूर है। अब मंगल की बारी। एक, दो, मंगल जरा क्लब में होके चलते हैं। क्यों? मुझे किसी से काम है। ठीक है तुम मिलके आ जाओ, मैं चलता हूँ। अरे यार 2 मिनट की तो बात है, और फिर तुम अपने आप पर भरोसा नहीं? अपने आप पर तो भरोसा है पर गुरुजी पर नहीं। उनकी डांट डपट कौन सहेगा? तुम उनकी फिक्र ना करो, गुरुजी को मैं समझा लूंगा। देख ले यादव, अगर गुरुजी ने मुझे डांटा तो कल वर्जिश के टाइम तेरी टांग तोड़ दूंगा। मुझे मंजूर है, तुम चलो तो सही। हेलो मंगल, कैसे हो? ठीक। यार रूबी दिखाई नहीं देती। रूबी? हाँ, उसने तो कब का काम छोड़ दिया, तुम्हें नहीं मालूम? काम छोड़ दिया? मैंने कहा ना मैं बेकसूर हूँ। यही सुनने के लिए तो मैं रुका हूँ। बता, तू अपने आप को बेकसूर कैसे कहता है? यादव को क्लब में काम था, वो 2 मिनट के लिए मुझे साथ ले गया। मैंने शराब नहीं पी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तू अपने आप को बेकसूर कैसे कहता है? इसलिए कि मैंने शराब नहीं पी। कसूर शराब पीने का ही नहीं, शराब और शबाब खाने में जाने का भी होता है। गया तो मैं जरूर, मगर यादव के कहने पर। किसी का कहना मान के जो इंसान गलती करता है, क्या वो गलती गलती नहीं होती? मगर क्या इंसान हैवान है, बुद्धिहीन है? माना कि चातुर इंसान साधारण लोगों को बरगलाने में कामयाब होता है, लेकिन इंसान को इतना भी साधारण नहीं होना चाहिए कि चातुर उसे पशु की तरह जहाँ चाहे वहाँ हाथ कर ले जाए। मुझे माफ कर दो। हाँ, माफी की बात तो है, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि तुमने कसूर नहीं किया। ऐसी गलती की बात कर रहे हो? वादा करो कि यादव जैसे निकम्मे आदमी की कभी संगत नहीं करोगे। नहीं, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। चलो काम करो। सनी, आज मैं तुम्हें इतना थका दूंगा कि तुम्हें नानी याद आने लगेगी। नानी? नानी क्या होती है रुस्तम? बताओ ना। क्या बताऊं? तेरी की नानी कैसी होती है? अरे नानी नानी जैसी होती है। वही तो मैं पूछा कि नानी कैसी होती है। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलता। अरे नानी बूढ़ी होती है, बहुत बूढ़ी। बहुत बूढ़ी? सनी, मैंने कहा था ना आज तुम्हें थका दूंगा, थक गए ना? रुस्तम, वो देखो रेशमा। हाँ हाँ रेशमा मजे में है। सनी, तुम मेरी वर्जिश नहीं कराओगे तो मैं कुश्ती कैसे जीतूंगा? हाँ, तुम्हें कुश्ती तो जीतनी होगी। हाँ? चलो भागो, अभी मैं तुम्हें थकाई देता हूँ। हाँ, आओ, चलो भागो। सिर्फ मंगल को डराने के लिए। तो क्या आप मंगल को इतना कमजोर समझते हैं? Do you take Mangal so very lightly? What he was, the whole world knows, and what he is, we know, and I think you all know. He is risking his life for the career of his son. इन दोनों का कहना है कि वक्त था जब दुनिया मंगल का लोहा मानती थी। आज मंगल क्या है वो ये दो जानते हैं और आप सब जानते हैं। ये अपने बेटे की जिंदगी बनाने के लिए खुद की जिंदगी का बलिदान दे रहा है। मंगल तो किंग कॉन्ग, लोथेस, बिल रॉबिन्सन, बॉयटी, जॉर्ज गुडियांको जैसे नामवर पहलवानों को हरा चुका है। आप उसे इतना कमजोर मत समझिए। मंगल हैज डिफीटेड सेवरल वर्ल्ड चैंपियंस इन द पास्ट। डोंट टेक हिम सो लाइटली। दैट ही हैज। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड द पास्ट। इनका कहना है कि जमाना था जब मंगल हर पहलवान को शिकस्त देता था, मगर तब और अब में जमीन और आसमान का फर्क है। ओके जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। द चैंपियन नीड्स रेस्ट। ओके चैंप, बेस्ट ऑफ लक। ओह, गिव इट टू मंगल। आई डोंट नीड इट। डैडी, निकरो पहलवान बहुत ताकत वाला है। गुरुदेव तेरी विजय हो मंगल, तेरी विजय। साहिबान, ये कुश्ती फ्री फॉर ऑल स्टाइल होगी, यानी कि पहलवान खतरनाक से खतरनाक दाव लगा सकते हैं। ऑन माय लेफ्ट चैंपियन जेंगो, ऑन माय राइट चैलेंजर मंगल सिंह। तुम ठीक तो हो? उठो रुस्तम। 5, 6, 1 मंगल पानी नहीं। जानती हो तुम्हारी कुश्ती देखने कौन है? कौन आया है? वो देखो तुम्हारे दाहिने हाथ पर। कितनी खूबसूरत है ना? मंगल, कुश्ती की तरफ ध्यान दो, इधर उधर मत देखो। लड़ना खतरनाक भी हो सकता है। नहीं नहीं, मैं हारी नहीं बोलूंगा, कुश्ती होने दीजिए। गुरुजी आपका क्या ख्याल है? रुस्तम, रुस्तम तुम्हें बहुत चोट आई है ना? रुस्तम, रुस्तम बोलो ना। तुम चाहो तो मैं कुश्ती रुकवा देता हूँ। नहीं गुरुजी, मैं हारी नहीं बोलूंगा, कुश्ती होने दीजिए। ठीक है, एक राउंड, सिर्फ एक राउंड। One. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मत आने देना, मंगल को आराम की जरूरत है। जाओ यार, पीछे जाओ। अरे उनको आराम की जरूरत है अभी। हटो सब लोग, पीछे रहिए, पीछे। दूर रहो, जाने दो उनको। अरे मंगल, तुम ठीक तो हो ना? अरे मंगल, और जाओ। ओफो, तुम जाओ यार, अभी हो गया, बहुत हो गया। जाओ सब लोग, जाने जाओ, पीछे जल्दी। रुको, जाओ, रुक जाओ जल्दी। इंस्पेक्टर साहब रुको, धक्का मारिए इनको प्लीज। हट जाओ सब लोग, हट जाओ, हटिए सब लोग, पीछे हटिए। इंस्पेक्टर साहब आप और जल्दी से दरवाजा बंद कीजिए। मंगल, क्या हुआ मंगल? क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाओ। सनी कहाँ है? सनी कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ रुस्तम। तुम कहाँ हो बेटे? मेरे पास आ। मैं तुम्हारे पास ही हूँ रुस्तम। तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। रुस्तम, तुमने कुश्ती जीत ली। हाँ, तुम खुश हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। वो उनके आने से मेरी जीत हुई है। वो बहुत अच्छी है। कौन अच्छी है रुस्तम? किसकी बात कर रहे हो तुम? तेरी माँ की। वो बहुत अच्छी है। मेरी माँ? हाँ सनी, तेरी माँ मरी नहीं, जिंदा है। पूनम ही तेरी माँ है बेटे। रुस्तम? हाँ बेटे, वो मुझे नहीं समझ पाई, मैं उसे नहीं समझ पाया। बस इसी कारण तुम्हें अधूरा प्यार मिला बेटे, अधूरा प्यार मिला। तुम मेरी फिक्र मत करो रुस्तम, मैं ठीक हूँ। तुम हमेशा ठीक रहोगे बेटे। माँ से प्यार करना, उनका कहा मानना, बजरंग बली तुम्हारी सहायता करेंगे। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए जल्दी मुआयना कीजिए। I'm sorry, he's no more. Oh God. क्या हुआ? डॉक्टर चला क्यों गया? आप सब लोग चुप क्यों हो? मास्टर जी आप ही बताइए क्या हुआ, बोलो ना मास्टर। कोच साहब आप ही बताइए क्या हुआ, आप भी नहीं बोलते। रूबी आंटी आप तो बताइए, आप भी दूसरों की तरह आप भी नहीं बोलते। देखा रुस्तम, मैंने रात कोई भी नहीं बोलता। चलो उठो, घर चले, मैं तुम्हें सारा देकर ले चलूंगा। चलो उठो रुस्तम, उठो रुस्तम। रुस्तम तुम भी नहीं बोलोगे तो फिर मेरे साथ कौन बोलेगा? चलो बादल रुस्तम को उठाओ। सुनी बेटे, मंगल कभी नहीं उठेगा। तुम्हारा रुस्तम हम सबको हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। झूठ बोल रहे हो, मेरे रुस्तम को कोई नहीं मार सकता, ये सबसे बलवान है। अरे रुस्तम तुम्हें सबको कह दो कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता। बोलो ना रुस्तम, तुम्हारा सनी तुम्हें पुकारा है। रुस्तम पहले से हमेशा तुम मेरी बात मानते रहे, आज क्यों नहीं मानते? मुझसे रूठा मत रुस्तम, तुम जो भी कहोगे वो मैं मानूंगा। उठो रुस्तम, उठो उठो रुस्तम, उठो ना। नहीं बोलते, नहीं उठते, अब मैं क्या करूं? उठो ना रुस्तम, उठो 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 रुस्तम, उठो रुस्तम, उठो ना रुस्तम। मैडम अब क्या होगा? सनी इस दुनिया के में ना जाने कब क्या हो जाए। इस दुनिया के बेटा माँ